बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों हमारा चैनल आसिफ इकबाल मदनी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस बआसानी पहुंच सकें। सवाल ये पूछा गया, क्या सीना पीटना और ढोल बजाना जायज़ है? मुहर्रम उल हराम में ये भी दोनों काम होते हैं। देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, जिसने गम की वजह से मैयत पर रोते हुए सोग में जिसने सीना पीटा, जिसने चेहरा पीटा, जिसने कपड़े फाड़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो हम में से नहीं है, यानी हमारे रास्ते पे नहीं है वो बंदा। तो ये जो है वो इसलिए ना जिंदा खाल को पीटना जायज, ना मुर्दा खाल को पीटना जायज। ठीक है, ये दोनों तरीके, दोनों बातें मना है। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक ये दोनों काम नाजायज और हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट की पिछले दिनों, बल्कि कल ही शायद वायरल थी, कि भाई हर चीज़ में तब्दीली आ गई, हर चीज़ बदल गई है, ये सीना पीटने का तरीका वही पुराना है, गोलियां आ गई हैं, बड़े बड़े खंजर आ गए हैं और जो है रॉकेट लॉन्चर आ गया है, क्लाशन आ गई है, तो इसमें भी थोड़ी तरक्की होनी चाहिए। फिर जी उनको जख्म लगे थे, उनके तो सर भी कटे थे, अगर वाकई मोहब्बत हो फिर सर काटा जाए ना, तो ये बिल्कुल अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक ये बिल्कुल नाजायज और गुनाह का काम है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम।